आधी रात कोई लर पुकार कर नाना दिन रात भोला के अभिनंदन करी हम। सो दोस्तों, आप लोगों को मैं परिचय करवाता हूँ हमारे जो गुरुजी हैं इनसे, और हमारे भैया जो सिंगर हैं इनसे, सभी से आपको परिचय करवाते हैं। पहले आप जो है कि भैया आयुष मिश्रा जी का परिचय आप बताइए इनसे, तो हम लेवा करेंगे, क्योंकि आपके चैनल पे इनका वीडियो देखे थे और भी इनका वीडियो अलग से भी देखे हैं, तो सोचे आज चलते हैं मालती चौहान रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर। और जो है कि हमको ऐसा संदेश मिला था कि आप यहीं पर मौजूद हैं। ऐसे ही सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार है हमारे तरफ से, और ऐसे ही प्लान बना इधर चले आए, कुछ काम था अपना, निजी काम था। तो हर किसी के जीवन में एक समय आता है, मतलब मनोरंजन के लिए थोड़ा सा समय देना चाहिए, माइंड रिफ्रेश करने के लिए। भगवान भोलेनाथ का यहाँ पे सावन का पावन महीना है, भगवान भोलेनाथ का भजन चल रहा था, तो हम उसी के ट्रैक पे कुछ अपने द्वारा प्रस्तुति कर रहे थे। क्योंकि जो है वंशानुक्रम है कि मतलब पुष्ट दर पुष्ट हमारे घर में कोई ना कोई गायक जरूर रहा है, गाना गाए हैं, भले ही वो गृह स्तर पे ही क्यों ना रह गए हों। हालांकि इस क्षेत्र में पारंगत तो हम हैं, लेकिन हमारी कला कहीं और जानते हैं और आपके सभी दर्शक भी जानते हैं। आप लोग देखते ही हैं हमारे चैनल के, बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो आपको चैनल को देखते हैं और कमेंट भी करते हैं, शर्मा जी नन्हे ओझा, और उनका चैनल बहुत आगे जा रहा है, बहुत अच्छा रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसा हमारे कमेंट करते हैं हमारे चैनल। ये सब देखिए आप और आपके दर्शकों की बड़ी असीम अनुकंपा है। तमाम लोग हैं जिनकी प्रतिभाएं अनुकूल है, लेकिन लोग पहचानने के लिए तैयार नहीं। अगर आप मुझे पहचाने हैं, मुझे जाने हैं, तो इसके लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। तो भैया आप अपना परिचय दीजिए और मतलब इंग्लिश में इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं, और उसके बाद मतलब इंटरव्यू आपका तो भैया है, और आप इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कहते हैं, आप परिचय दीजिए। हमको लगा इंग्लिश में बोल। इस चैनल के माध्यम से जितने लोग भी देखते हैं देख रहे हैं, मेरा प्रणाम है, और मेरा नाम आयुष मिश्रा है, और यहाँ इस टाइम हम भैया के साथ कुछ चल रहा है सावन का, भैया गाना गा रहे हैं, गाना क्या गा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं गाना, मनोरंजन हो रहा है बस बैठ के। तो आप जो आपका जो गाना वायरल गया था उसको थोड़ा सुना दीजिए, हालांकि सावन का पावन महीना है, ये भी गाना सुनेंगे कुछ आपसे, और मतलब बिना ट्रैक का, और जो गाना चला था आपको अभी थोड़ा सा सैया बिना से जिया कटार लागे ना नदी, सैया बिना से जिया कटार लागे ना नदी, आधी रात कोई लर पुकार कर ना नदी, सैया बिना से जिया कटार लागे ना नदी। ये तो मुखड़ा अंतरा इसका थोड़ा कैसा है, अंतरा के बारे में बताइए तो थोड़ा क्या है अंतरा, जो है गहराई तक ले जाता है, मतलब आदमी को जो आदमी समझ सके। जैसे क्या है ना, ये गाना 6 महीना हो गया गाया हमको, तो गाना गाने के एक दिन बाद गाना नहीं याद रहता है, जब देख के गाना तो याद कहाँ रहेगा। तो एक बाबा धाम का जो सावन का पावन महीना चल रहा है, इस पर थोड़ा सा हो जा। अभी अभी एक देखिए गाना मेरा आया है, और दिन रात भोला के अभिनंदन करी हम, बोला एक कंवरिया सब बोल बम बम। ये मेरा गाना है, अभी जल्दी यह गाना आपका किस चैनल पे आया है? ये मेरे ऑफिशियल चैनल पे, आयुष मिश्रा संत कबीर नगर। आयुष मिश्रा संत कबीर नगर का चैनल है हमारे गुरुदेव, और हमारे मतलब जान लीजिए आज से हमारे प्रिय मित्र होंगे, चूँकि हम अपने ही गुरु जी के चैनल पे इनका जो है इंटरव्यू देखे थे, और इनका अलग से भी मतलब देखे थे वीडियो, चूँकि हम भी मालती चौहान विष्णुराज के चैनल से भाई कुछ सीखे हैं। और आप लोग जब इंटरव्यू देखे होंगे तो अभी वर्तमान समय में जब आप साथ साथ देख रहे होंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि उस गाने में इनका हम कान खींचे थे, कान खींचे कितनी कड़वी सच्चाई इनसे उगलवाए थे। कारण ये है कि सक्सेस को लेकर के ये भी शॉर्टकट अपनाए थे, शॉर्टकट में लोग शॉर्ट ही रह जाते हैं क्षणिक मात्र के लिए। तो जब ये मार्ग से विचलित हुए थे तब हम इनको जो है एक इंटरव्यू के माध्यम से समझाए थे, जो कि आप लोगों में प्रस्तुत है, वर्तमान समय में भी है, आप जाकर के देख सकते हैं हमारे चैनल पे,
और वहां से इन्होंने सुधार किया, क्योंकि इनका एक गाना में विष्णु राज एंटरटेनमेंट पे 55 लाख लोगों ने देखा जब ये सुनाया है सैया बिना सजिया। और मुझे लगता है कि इतनी कम उम्र में अगर सैड सॉन्ग बहुत बेहतरीन तरीके से कोई गाता है इस क्षेत्र से तो आयुष मिश्रा, ये मुझे गर्व है। जहाँ कहीं विचलित होंगे, चाहे विष्णु राज हों, चाहे आयुष हों, चाहे आप हों, या समाज के कोई लोग हों, तो हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि आप लोग को समझाने और सुधारने का भरपूर प्रयास करेंगे। अच्छा भैया आयुष मिश्रा जी, आपका घर कहाँ है भैया का? मेरा घर ही बगल में है, इस गांव के बगल में, धौरी पार, मतलब यहीं धौरी पार। मैं सोचा कि यहाँ पे बहुत लोग गेस्ट ऐसे आते हैं जैसे कि रुकते हैं और नहीं, ये गेस्ट क्या, ये खाली स्टूडियो ही अपना है, वो तो बाहर ही लोग होते हैं जो आते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए आप लोगों को गाना सुनवाए भैया से, आयुष मिश्रा जी से, हमारे परम अजीज मित्र जो क्या कि जिनको लोग अजीज मित्र बोलते हैं। शर्मा जी आपके कहाँ गए मित्र, तो आज हमने आप लोगों को अपने मित्र से मिलवा दिए और हमारे नए मेहमान जो जुड़ चुके हैं भैया, इनसे भी आपको रूबरू करवाएं। और यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इनसे मिलकर आप लोगों ने देखा वीडियो कैसा लगा और हमारे गुरु जी से, तो सो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ओके दोस्तों, चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी मिलेंगे, तब तक लिखेंगे जय हिंद जय भारत।